हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, खिलाड़ी के साथ जो रहता भेला जिसकी वजह से इसके शोज़ कैंसिल हो गए हिंदी वाले, वो थोड़ा सा सुलटता हुआ लग रहा है। मैं भी इसको क्लोजली फॉलो अप कर रहा था। मैंने दो तीन जगह फ़ोन भी मिलाया, घर भी आ गया, मैं बाकी सारी चीज़ें चेक कर रहा था। अब खिलाड़ी का दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि इसका हिंदी वर्जन भी आज ही रिलीज़ हो जाएगा और 4 बजे ऑनवर्ड्स इसके शोज़ जो हैं दिल्ली में तो लग जाएंगे, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं है। और दिल्ली के जितने भी शोज़ होंगे वो अब बुक माई शो पर रिफ्लेक्ट भी करने शुरू हो गए। सुबह मैंने आपको बताया था कि जितने भी शोज़ हैं वो कैंसिल हो गए और उसके बाद आपको बुक माई शो में दिखने भी बंद हो गए थे, अब यहाँ पर बुक माई शो पर ये दिखने शुरू हो गए हैं। तो मैं भी जाऊँगा, मूवी देखने जाऊँगा और 4 बजे ऑनवर्ड्स का जहाँ भी मुझे नियरेस्ट लोकेशन पे मिलेगा मैं उसका शो देखूँगा, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगा। होपफुली ये मूवी अच्छी निकले, क्योंकि मेरे को भी मिक्सड रिव्यूज़ से आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्शन के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिस तरीके से रवि तेजा ने अपने अंदर का मास महाराजा निकाला है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट एट द सेम टाइम स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़ी सी वीक रह गई है। बट खुद ही देख के जजमेंट लेना और फिर आपके साथ शेयर करना ये ठीक रहेगा, ऐसे सुनी सुनाई बातों का कुछ पता नहीं, क्योंकि जैसे भी बॉलीवुड का भी चल रहा है चलन, अगर वो मूवी को रोक सकते हैं, अगर ऐसा जेन्युइनली सच है, तो कुछ भी उल्टी सीधी रिव्यूज़ भी जा सकते हैं ताकि इसको ज़्यादा हवा लगे ही ना और ये मूवी बड़ी होने से पहले ही दब जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू सी दिस मूवी एट द अर्लीस्ट एंड शेयर माई रिएक्शन विद यू द सूनेस्ट। और सूनेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।